गुल्म पेट का एक रोग है जिसमें पेट भीतर एक गोला सा बंध जाता है, विशेषकर हृदय के नीचे से लेकर पेड़ू तक के बीच कहीं पर यह गोला उत्पन्न हो सकता है। यह गोला अनियमित आहार विहार तथा वायु और पित्त के दूषित होने से होता है। हरड़ का चूर्ण गुड़ में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से पित्त के कारण होने वाला गुल्म रोग ठीक होता है। बड़ी हरड़ का चूर्ण और अरंडी का तेल गाय के दूध में मिलाकर पीने से पेट में गैस का गोला बनना ठीक होता है। सज्जी खार, जवाखार और केवड़ा को पीसकर चूर्ण बनाकर अरंडी के तेल में मिलाकर सेवन करने से गैस का गोला बनना ठीक होता है। सज्जी खार का रस गुड़ में मिलाकर सेवन करने से पेट में गैस का गोला बनने से उत्पन्न दर्द ठीक होता है। साठी की जड़, जिसे पुनर्नवा भी कहा जाता है, और काली मिर्च को पीसकर घी में मिलाकर पीने से गुल्म रोग से पीड़ित रोगी को दर्द से आराम मिलता है। अपामार्ग की जड़ और काली मिर्च को पीसकर घी के साथ प्रयोग करने से वायु का गोला व दर्द में आराम मिलता है। सौंठ 40 ग्राम, सफेद तिल 160 ग्राम और पुराना गुड़ 80 ग्राम को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। यह चूर्ण 6 से 10 ग्राम खाकर ऊपर से गर्म दूध पीने से पेट की कब्ज, वायु का गोला और दर्द समाप्त होता है। मुलेठी, चंदन और दाख को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें और यह चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से पित्त के कारण उत्पन्न गुल्म रोग दूर होता है। पित्त के कारण उत्पन्न गुल्म रोग से पीड़ित रोगी को मनुक्का और हरड़ का 1-2 चम्मच रस गुड़ में मिलाकर पीना चाहिए। गुड़, भांडगी और छोटी पीपल बराबर मात्रा में लेकर पीस कर रख लें। यह 2 से 4 ग्राम चूर्ण काले तिल के काढ़े में मिलाकर सेवन करने से खूनी गुल्म रोग ठीक होता है। गोरख मुंडी के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करने से रक्त गुल्म की बीमारी दूर होती है। यह आयुर्वेदिक उपाय करने से आप गुल्म रोग यानी हिस्टीरिया से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।